हेलो एंड वेलकम प्यारे विद्यार्थियों स्वागत आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सक्सेस में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रवि खरीफ और जायद की फसलों को कैसे याद करें वो भी एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक से जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें रवि खरीफ जायद या नकदी की फसलों से रिलेटेड एक ना एक पर्सन जरूर पूछा जाता है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि सभी फसलों के लिए अलग अलग ट्रिक है तो आपको सभी ट्रिक को याद रखना होगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं रबी की फसल के बारे में रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के महीने में काट ली जाती है अब देखते हैं इससे रिलेटेड ट्रिक क्या है तो हमारी ट्रिक है रवि चना मसाला जोर गरम क्या एक बार फिर से बोल रहा हूँ रवि चना मसाला जोर गरम रवि को, को कोई कह रहा है कि रवि चना मसाला जोर गरम ठीक है तो ये है हमारी ट्रिक अब देखिए इससे हम फसलों को कैसे याद रखेंगे तो सबसे पहले चना से आ जाएगा चना मसाला के मै से आ जाएगा मटर सास से आ जाएगा सरसों और आला से आ जाएगा आलू जोर के जो से आ जाएगा जौ रे से आ जाएगा राई गरम के गैस से आ जाएगा गेहूं और मै से क्या आ जाएगा मसूर प्यारे साथियों अगर ट्रिक पसंद आ रही है तो अभी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए करिए क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत से ट्रिक बना के लाते हैं तो शेयर तो बनता है अब देखते हैं खरीफ की फसलें खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है और इसको याद रखने के लिए हमें ट्रिक क्या अपनानी है हमारी ट्रिक है अरे गधा बाज मत बन क्या अरे गधा बाज मत बन ठीक है मैं दो बार रिपीट कर चुका हूं अब आपको याद हो गया होगा आपको अभी से इन चीजों को रट लेना है अरे गधा बाज मत बन तो कोई गधे से कह रहा है कि तू बाज मत बन तू गधा है गधा ही रहेगा तो अब हम देखते हैं कि इस ट्रिक से हम खरीफ की सभी फसलों को याद कैसे रखेंगे तो अरे से आ जाएगा अरहर गधा के गै से आ जाएगा गन्ना धा से आ जाएगा धान बाज के बा से आ जाएगा बाजरा से आ जाएगा ज्वार मत के मै से आ जाएगा मक्का और से क्या आ जाएगा तिलहन तो ये रहेंगी हमारी खरीफ की फसलें अब देखते हैं जायद की फसलों को कैसे याद रखेंगे तो सबसे पहली बात जो जायद की फसलें हैं ये मई जून के महीने में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं मतलब लगभग एक से दो महीने ये फसलें चलती हैं और जुलाई अगस्त तक काट ली जाती हैं अब देखते हैं इसको हम याद कैसे रखेंगे इसकी हमारी ट्रिक क्या है तो हमारी ट्रिक है खरीफ ताऊ खीरा खाकर मरे क्या खरीफ ताऊ खीरा खाकर मरे तो ताऊ खरीफ थे वो खीरा खाकर मर गए ये हमारी ट्रिक है तो चलिए अब देखते हैं कि इस ट्रिक से हम फसलों के नाम कैसे याद रखेंगे ताऊ के ता से आ जाएगा तरबूज से आ जाएगा उड़द खीरा से खीरा ही आ जाएगा उसके बाद खा से आ जाएगा खरबूजा कैसे क्या आएगा ककड़ी उसके बाद मरे के मै से आ जाएगा मूंग तो ये रहेंगी हमारे खरीफ की सारी फसलें इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास एक फसल और बच जाती है जो कि कौन सी है नकदी फसल तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि नकदी फसल होती क्या है कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि नकदी फसल किसे कहा जाता है तो ऐसी फसलें जिनको किसानों द्वारा व्यापार के उद्देश्य से उगाया जाता है उनको कहा जाता है नकदी फसलें अब देखते हैं कि इसके लिए हमारी ट्रिक क्या होगी तो हमारी ट्रिक है कागज़ में तम्बाकू क्या एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कागज़ में तंबाकू अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड फसलों को हम याद कैसे रखेंगे तो सबसे पहले कागज के कैसे आ जाएगा कपास से आ जाएगा गन्ना और जैसे आ जाएगा जूट इसके बाद तंबाकू से तो यही आ जाएगा तंबाकू तो ये रहेंगी हमारी नकदी फसलें अब आपके लिए एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा तो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर बना हुआ है इसका आंसर आपको कमेंट में देना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय